हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। एम्बुलेंस का फोन किया है, हम खुद ही हैं। गोरखपुर में शादी समारोह का माहौल उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब खाने में मछली न मिलने को लेकर कुछ लोगों ने मिलकर लड़की वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें दुल्हन के दादा गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला यह था, हमारे घर पर शादी था और ये लोग पी के आके और 7-8 जने पी के आके हमारे घर पर मार मारी कर दिए, कट्टा बंदूक लेके हमला कर दिए। कौन यही कहाँ रहे, ये यादव है और नाम क्या उन लोगों का नाम है। मामला गोरखपुर के बेजू डीहा गाँव का है, जहाँ गाँव के उमेश गुप्ता की बेटी की शादी समारोह में जयमाला कार्यक्रम के समय ही भोजन का कार्यक्रम चल रहा था और खाने में मछली भी बनी थी। बताया जा रहा है कि मछली 2 बार लोगों को परोसी गई थी, लेकिन कुछ लोग 3री बार भी मछली मांग रहे थे और वो लोग देरी होने पर घराती पक्ष के लोगों को गाली देने लगे और झूठे पत्थर भी फेंकने लगे। इसी दौरान गाँव के कुछ लोग दुल्हन के घर वालों पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। उसके बगल के लोग है, कहार के बिजुंदेव के पूरे पुत्र थे 4 लोग, उसके भांजा रहता है वो था, सब लोग दम पे वहाँ मार के और दूल्हे का चैन छीन लिए। दूल्हे के लिए हम लोग गए बचाव करने, तो हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और हमारे बाबा जी को मार दिया। अब हम लोग क्या करें, हमारे बाबा भी नहीं रहे, हमारी इतनी सोना चांदी, हम अपनी बहन को भी नहीं कुछ दे पाए। क्या हमारा दामाद वो जो घर पे आया था लड़का शादी करने पर इनकार कर दिया, एक का दो देकर हम शादी किए, उसका भरपाई कौन करेगा। इस पथराव और मारपीट में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने दूल्हे की चेन भी लूट ली। उधर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि लड़की के दादा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आज दिनांक 31 को रात को 2 बजे 112 पे सूचना मिली कि गाँव बजुडीहा में एक शादी हो रही थी, उमेश गुप्ता के यहाँ लड़की की शादी थी, तो वहाँ पे जो उनके पड़ोसी हैं उनके साथ में कुछ खाने को लेके विवाद हो गया था। पुलिस मौके पे तुरंत पहुँची, दोनों पक्षों को हटाया गया, फिर भी उसमें एक गीना गुप्ता हैं जो लड़की के दादा हैं, उनको भर्ती कराया गया और BRD मेडिकल कॉलेज में सुबह पता लगा कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बाकी 2 और घायल हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। दोनों पक्षों से घायल हुए हैं क्या? दोनों पक्षों से घायल। कार्रवाई मुकदमा, इसमें मुकदमा तहरीर प्राप्त होने पे मुकदमा लिखा गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर मनवर युवक वहां से फरार हो गए। इसके बाद मामले को शांत करवा कर शादी की रस्में पूरी कराई गई। वहीं शादी में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट हो रही है।